एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज टू एक्स माइनस थ्री। Now we are to find f plus g, f minus g and f of g. F plus g of x that is equal to f of x plus g of x. Simply दोनों को add कर दो, so this will be 3x minus 2. तो यानी कि f plus g आ गया आपका 3x minus 2. उसके बाद f minus g निकालना है। हाँ जी, इंटू एक्स नहीं है, ये एफ प्लस जी ऑफ एक्स है बेटे। फंक्शन हमें एफ और जी एक्स की फॉर्म में गिवन है ना, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग। मतलब जो भी वेरिएबल है मैंने उस फॉर्म में लिख लिया, इसका मीनिंग यही है एफ प्लस जी। एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन जो है दिस इज एफ प्लस जी ऑफ एक्स। अब f माइनस जी ऑफ x क्या आ जाएगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, x प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, सो दिस इज माइनस एक्स प्लस फोर या फोर माइनस एक्स। देन f अपॉन g, क्वेश्चन है ये, क्या आएगा यहाँ पे, f ऑफ x कितना गिवन है x प्लस वन और g ऑफ x क्या गिवन है टू एक्स माइनस थ्री। इतना ही है या आगे भी कुछ चेक करना है, फंक्शन कब डिफाइंड होगा, व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर x नॉट इक्वल टू थ्री बाय टू, यानी कि टू एक्स माइनस थ्री शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू थ्री बाय टू। So this was your question number 7. Now moving on to question number 8. Is it done? Question number 8 mein given hai, let f is equal to 1, 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 1, minus 3 be a function from z to z. Integers pe ye function hai aapka. Defined by f of x is equal to ax plus b for some integer a comma b. Determine a comma b. Mujhe function jo given hai, that is given to be a plus b, ax plus b. ए एक्स प्लस बी मुझे गिवन है, जो f की वैल्यूज गिवन है मुझे, जो उसके एलिमेंट्स गिवन है इन द ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 है। सेकेंड एलिमेंट क्या गिवन है 2, 3, यानी कि f ऑफ 2 जो है दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट f ऑफ 0 इज -1, f ऑफ -1 इज -3। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a और b की, क्या करें। y और f of x सेम थिंग होती है आपकी। अब यहां पे मुझे f गिवन है 1, 1, 2, 3, जीरो माइनस वन एंड माइनस वन माइनस थ्री, और f मुझे गिवन है f of x ax प्लस b। आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, और जो ये वेरी कर रहे हैं ये इंटीजर टू इंटीजर है। चलिए क्या करें, यहां से क्या पता लग रहा है एक्स कॉमा वाई, यानी कि एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है 1। तो पहले ये लिख लेते हैं किसकी क्या वैल्यू है, एफ ऑफ वन इज 1, एफ ऑफ टू इज 3, एफ ऑफ 0 इज -1, एफ ऑफ -1 इज -3। अब क्या करें, हाँ अब यहां से हम x की वैल्यूज डाल लेते हैं, तो f ऑफ वाली जो वैल्यूज हैं दो इक्वेशंस आ जाएंगी a b की फॉर्म में, उनको सिंपलीफाई करके यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू a प्लस b आ गया, यानी कि a प्लस b किसके इक्वल है, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1। सेम वे में f ऑफ 2 निकाल लो, दैट इज 2a प्लस b,
तो दिस इंप्लाइज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3. दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लो, आपकी a और b की वैल्यू आ जाएगी. बताओ जल्दी से क्या आएगा. a टू b, इसको सॉल्व करके दिखाओगे आप जैसे टेंथ में सॉल्व करते थे, इन द सेम वे यू विल सॉल्व. सो a विल बी 2 एंड b विल बी माइनस 1. डन. चलिए अगले क्वेश्चन पे. अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो, f ऑफ लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू a कॉमा b, a b बिलोंग्स टू n एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर. r द फॉलोइंग ट्रू, a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू n, a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r. This implies that a comma c belongs to R. ये जो तीन conditions हमें given है, ये equivalence उसकी होती है, relation की होती है, that you will study in your plus two. First condition मुझे क्या given है, a comma a belongs to R. यानी कि जो value हम x की put कर रहे हैं, the same will be the value of y. जो भी given आपको function है उसके लिए. अगर ये इस तरीके से होता है तो इट मींस कि दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्शन से आप याद करोगे, याद रखोगे इसको, कि जो पर्सन है मिरर में उसको अपनी ही शक्ल दिखाई देती है, अपनी ही इमेज दिखाई देती है. तो अगर ये दोनों सेम है तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि b कॉमा a भी r को बिलोंग करता है. दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्री की हुई है ना आपने, a कॉमा b बिलोंग्स टू r अगर इंप्लाई कर रहा है कि b कॉमा a भी r को बिलोंग कर रहा है तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. थर्ड कंडीशन आती है, दो इसमें हम लेके चलते हैं, a कॉमा b r को बिलोंग कर रहे और b कॉमा c r को बिलोंग कर रहे. यहां ये ध्यान रखना है, जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट बनता है. a कॉमा b बिलोंग्स टू r, अब b यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, b यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बनता है. अगर ये b फर्स्ट एलिमेंट नहीं बन रहा तो दैट विल नॉट बी आपका, वो फिर चेक नहीं होगा. तो ये दोनों एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, और ये अगर दोनों एलिमेंट्स सेम हैं तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. अगर ये इंप्लाई कर रहा है दैट ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन इज सेट टू बी ट्रांजिटिव. और अगर तीनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली होल्ड हो रही हैं, then we will say that जो relation है that is an equivalence relation. वो आप plus two में पढ़ो. ठीक है, अभी फिलहाल ये तीन conditions याद रखनी है. a comma a belongs to r है अगर, यानी कि ये दोनों elements अगर आपके same हैं, x equal to y है अगर आपका, then the relation will be reflexive. a comma b belongs to r आपको given है और वो imply कर रहा है कि b comma a भी r को belong कर रहे, then the relation is symmetric. a comma b belongs to r, b comma c belongs to r. तो ये दोनों क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि ये वाला फर्स्ट एलिमेंट और ये वाला लास्ट एलिमेंट, उसका सेकंड एलिमेंट, ये अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं देन द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव. ठीक है, तीनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली अगर होल्ड कर रही हैं देन द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए. लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी. ए और बी दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और ए जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है. ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर. मैंने यहां पूरा नहीं लिखा,
चलो अब a कॉमा ए बिलोंग्स टू r. अब मुझे मतलब ये जो है हर वैल्यू के लिए a बिलोंगिंग टू a, a की हर वैल्यू के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? विल इट बी ट्रू? मान लो मैंने यहां पे वैल्यू टू ले ली, ठीक है, a कॉमा b में मैंने ये सेकेंड वाली वैल्यू मान लो टू ले ली, तो a किसके इक्वल है? टू का स्क्वायर यानी कि फोर. तो क्या ये दोनों सेम है? तो क्या ये कंडीशन होल्ड करेगी? सिर्फ किस एक पर्टिकुलर उसके लिए सेट के लिए करेगी? एलिमेंट के लिए वन कॉमा वन के लिए, बाकी किसी भी एलिमेंट के लिए दिस विल नॉट सेटिस्फाई. ठीक है, तो इट मींस ये कंडीशन आपकी होल्ड नहीं कर रही. आपने कोई भी वन कॉमा वन के अलावा कोई भी वैल्यू ले लेनी है और ऐसे करके दिखा देनी है. इफ बी इज इक्वल टू टू देन ए is equal to 2 square, that is 4, ठीक है, तो 4 comma 2 does not belong to, is not equal to a comma a belonging to R. It's not satisfying the condition a comma a belonging to R. अब next का example दो आप मुझे, ये कर दूँ इरेज. नेक्स्ट में क्या गिवन है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. ऐसा एग्जांपल देना है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. हाँ जी बोलो. क्यों B को? ओके, B को मैंने ले लिया, चलो 2, A आएगा 4, बिल्कुल ठीक है, 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R. अब इसको उल्टा कर दो, यानी कि ये वैल्यू आप B को असाइन करो तो ये वैल्यू आपकी A की बन गई. अगर आप B को 4 लेते हो तो एज पर दिस A की वैल्यू कितनी आएगी? 16, जबकि इसके अकॉर्डिंगली इट शुड बी 2, वो नहीं आ रही. तो इट मींस अगेन a कॉमा b बिलोंग्स टू r डज नॉट इम्प्लाई दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r. समझ आ रहा है? दोबारा देखो इसको. हमें जो एलिमेंट लिखने हैं दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a कॉमा b ओनली. तो लेट a इज इक्वल टू क्या लोगे? 2, और b क्या ले रहे हो? 4. a 4 लोगे, b 2 लोगे. अब a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 2, b का स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 4 कॉमा 2 जो है वो आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. ये क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन मैंने ऐसे ली जो इसको सेटिस्फाई कर रही है. अब वो क्या कह रहा है कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r. b कॉमा a मतलब 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू r. अब क्या ये रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं, हमने वो चेक कर. यहाँ पे b की जगह क्या है आपका? 4. a इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि a शुड बी इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी कि 16. बट यहाँ a क्या आ रहा है आपका? 2. a कितना होना चाहिए था एज पर दिस रिलेशन? a शुड बी इक्वल टू 16, बट इसके अकॉर्डिंगली जब हम b कॉमा a लेके आ रहे हैं ये 2 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 16, सो a कॉमा b बिलोंग्स टू r. Does not imply b comma a belongs to R. ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई. क्लियर है कैसे फॉल्स हुई? पूरा कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे. चलिए अब थर्ड ऐसे ही एग्जाम्पल लेना है कि a comma b belongs to R, b comma c belongs to R. तो this implies that a comma c belongs to R. कोई भी नंबर्स लो इसमें. कंडीशन ये रखनी है कि जो आप b की वैल्यू लोगे वो सेकेंड वाले का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बनना चाहिए. ये कर दूं इरेज. क्या आएगा? क्या लूं एलिमेंट?
यहां अगर मैं बी को फोर लेती हूँ तो ए की वैल्यू 16 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू सेकंड वाले की बननी चाहिए, फोर किसका स्क्वायर है, टू का। तो क्या ये इंप्लाई कर रहा है दैट 16.2 बिलोंग्स टू आर, 16 जो है दैट इज नॉट स्क्वायर ऑफ टू। कंडीशन क्या है यहाँ, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यही कंडीशन है, बट ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दिस डज नॉट इम्प्लाई। कोई भी आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना जो यहाँ नंबर लोगे दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जस्टिफाई हमने एग्जाम्पल्स देके कर दिया कि ये कंडीशन जो है हर एक आर के लिए, हर एक ए या बी के लिए ट्रू नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 1, 5, 9, 11, 15, 16 और एफ हमें गिवन है। आर द फॉलोइंग ट्रू, F is a relation from A to B. Check करो, F is a relation, देखो से बुक है हर एक के पास। चलो F, A क्या गिवन है 1, 2, 3, 4, B है 1, 5, 9, 11, 15, 16, F देखो क्या क्या गिवन है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 और 2, 11, और ए जो है वो क्या गिवन था 1, 2, 3, 4 और बी जो था दैट वाज 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16। चलो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, 1, 2, 3, 4, 2 सभी एलिमेंट्स हैं। उसके बाद किससे एसोसिएटेड है, 5, 9, 1, 5, 11, 5, 9, 1, 5 एंड 11। तो ए टू बी रिलेशन है, ये रिलेशन में रेपिटेशन हो सकती है, 5 दो बार आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे आपका 2 दो बार आ रहा है, 5 तो रेंज में है उसको नहीं चेक करना, डोमेन में 2 आपका दो बार आ रहा है, बट रिलेशन में दैट कैन रिपीट, फर्स्ट एलिमेंट कैन रिपीट। F is a function from A to B? No. क्यों? क्योंकि 2 की यहाँ पे आपके पास दो इमेजेस हैं, एक प्री इमेज की दो इमेजेस जो हैं, that is not possible in a function. 2 is associated with 9 as well as 11, so F is not a function. ठीक है? थर्ड क्या कह रहे हैं, बस ये दो ही पार्ट्स थे इसके, सो क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। लेट F be the subset of Z cross Z. इंटीजर्स का सेट है, सबसेट है उसका, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स के सेट का। एफ इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करना है मीन्स आपको एक ऐसा बीच में से एग्जाम्पल देना है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज आपने लेनी है और डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप शो कर दोगे कि जो आपका वाई की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, यानी कि एक्स जो है वो रिपीट हो रहा है आपका, एक प्री इमेज की दो इमेजेस बन रही हैं। अगर हम ये शो कर देते हैं तो हमारा जो गिवन रिलेशन है दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। तो क्या लेके चले, एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी है, अब देखो एक बार आप ए और बी की जो वैल्यूज लोगे वो दोनों पॉजिटिव ले लेना, एक बार दोनों नेगेटिव ले लेना, तो आपका आंसर शो हो जाएगा। क्या लेके चलें, लेट ए इज इक्वल टू -3 ले लूं, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो ए 3 लिया मैंने, बी 4 लिया, तो एफ क्या आ जाएगा आपका, 3 4 12 और 3 + 4 7। When A is equal to -3 and A is equal to -4. अब इसके लिए क्या होगा, ये आपका -3 into -4 is 12 and -3 + -4 is -. हाँ जी, हाँ B आएगा यहाँ पे, here it will be B. तो 12 जो है that is having
two images. So it is not a function. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू एन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. फाइंड द रेंज ऑफ एफ. फंक्शन है फ्रॉम ए टू एन. ए आपको गिवन है 9, 10, 11, 12, 13 और एफ जो है दैट इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. तो n की जो वैल्यूज आप ले सकते हो सेट a वाली ही लोगे, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13. 9, 10, 11, 12, 13 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स, 9 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 3 into 3, 1 नहीं मैं ले रही हूँ बिकॉज दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर. देन 10 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 into 5, 11 के 11 into 1, 12 और 13. 12 के और 13 के. अब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 3. टेन का 5, 11 का 12 का 3, 13 का 13. क्या बनेगा यहां पे? अब एफ आपका, एफ ऑफ एन कैसे लिखोगे इसको? एफ इज इक्वल टू, चलो रेंज ही हमें बतानी है, क्या आएगी रेंज? व्हाट विल बी द रेंज? 3, 5, 11, 13. यस, 3, 5, 11 and 13. ठीक है, क्लियर? सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 2. Any doubt is there in this, you can ask. Iske important questions bhi humare kaafi saare ban rahe hain. Tomorrow we will do that. Ek baar. Range mein bhi jo aapka element agar koi repeat ho raha hota hai, so that is written one time only. Hanji? Haan, time over hai. That's why I am saying ki extra questions iske hum kal karenge. Koi doubt hai kisi bhi question mein, to you can ask. Okay, bachche, if any doubt is there, you can ask. Otherwise, I am ending the meeting as the time is over. So, thank you. Have a nice day.